नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। कल सातवें और आखिरी दौर के चुनाव में 57 सीटों पर वोट पड़ जाएंगे। इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे लंबा और सबसे खर्चीला चुनाव प्रचार पूरा भी हुआ। मंगलवार 4 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन उसके पहले हम ये देख सकते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं, कौन से सवाल हैं जिन्होंने इन चुनावों की दिशा तय की, जो इस प्रचार के दौरान अहम बने रहे। तो 7 दौर के 7 सवाल लेकर आए हैं हम। पहला सवाल, इन चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? दूसरा सवाल, क्या उत्तर भारत में बीजेपी अपना चुनावी प्रदर्शन दोहरा पाएगी? हमारा तीसरा सवाल है, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी कहीं ज्यादा बड़ी सेंधमारी कर पाएगी? चौथा सवाल, क्या बंगाल में ममता बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगी? हमारा पांचवा सवाल है, ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण पर चली बहस का फायदा एनडीए को होगा या इंडिया गठबंधन को? हमारा छठा सवाल है, क्या इन चुनावों में राम मंदिर निर्माण का असर दिखा? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल की जमानत से दिल्ली पंजाब में आपके वोट बढ़ेंगे? सवाल और भी हैं, कयास और भी हैं। 75 दिन से देश के तमाम बड़े नेता इस गर्मी में सड़कों की खाक चानते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब अपने अपने दावे करते रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का एनडीटीवी में स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही जो हम आज 7 सवाल लेकर आए हैं कि इन चुनावों में अमिताभ जी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा या सेंट्रल थीम है, मोदी को वापस लाना है या मोदी को हराना है। ये सारे मुद्दे जो हैं वो घूम फिर के इन्हीं दो धड़ों में बट गए। पूरा का पूरा जो भारतवर्ष जो है, वोटर्स, वो दो धड़ों में डिवाइड हो गए, पोलराइज हो गए, मोदी के समर्थक, मोदी के विरोधी। अब मोदी के समर्थक जो हैं उनका बेसिकली जो सबसे बड़ा प्लैंक है वो था कि भाई अगर विकसित भारत 2047 तक निर्मित करना है तो मोदी को वापस लाया जाए, अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज और स्कीम्स चाहिए तो मोदी को वापस लाएं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है तो मोदी को वापस लाएं। वहीं विपक्ष का जो सेंट्रल थीम कहीं ना कहीं रहा कि अगर मोदी आएंगे तो संविधान में बदलाव करेंगे और आरक्षण जो है वो खत्म हो सकता है दलितों और लोअर ओबीसी का, इसका बहुत ज़्यादा असर जो रहा वो इंडिया ब्लॉक के वोटर्स के ऊपर रहा। जी रामकृपाल जी, आगे बढ़ने से पहले क्या आप जोड़ना चाहेंगे, मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो इन चुनावों में आपने सबसे ज्यादा किन मुद्दों की गूंज सुनी? देखिए, जैसा अमिताभ भाई ने कहा कि 2014, 2019 और 24 में भी ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है वो एक तरह का एक लाइन का रेफरेंडम, मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। 2014 में तो ये था कि कोई उन्होंने कोई काम नहीं था उनका, तब भी यही था कि मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। 2019 में भी यही था, और जाहिर सी बात है कि 2024 में भी जो कुछ भी काम हुआ है उसके बूते जी। और आगे की जो भविष्य योजनाएं हैं, जैसे 2047 की बातों करते हैं, तो एक एजेंडा था। लेकिन ये जो 400 का नारा बीजेपी ने दिया जी, और उसके बाद बीजेपी के ही कुछ बयान बहादुर ने जिस तरह से इस बात को कहा कि हम संविधान बदलेंगे, उसको लेकर के अपोजिशन ने एक र्यूमर फैला दी कि अगर मोदी आएंगे तो ये संविधान, ये जो आरक्षण है, खत्म हो जाएगा। ये अफवाह बहुत उस तबके का, जो तबका लाभार्थी भी है लेकिन वो मोदी से जुड़ा रहा है, उस तबके में सामने ये गया। और बहुत सारे लोग, जो मेरी रिपोर्ट है वो ये कि भैया बाबा जी की किताब अगर खत्म हो जाएगी तो ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कह रहे हैं कि ये जो चुनाव रहा वो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द रहा और वही मुद्दे भी रहे उन्हीं के इर्द गिर्द। हमारा दूसरा सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं, क्या उत्तर भारत में बीजेपी अपना चुनावी प्रदर्शन दोहरा पाएगी? रामकृपाल जी, नहीं देखिए, यही मैंने आपसे कहा कि अगर अब तक का जो रहा है, देखिए 2014 हो, 19 हो, 22 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में लगातार 4 चुनाव हुए हैं 10 साल में, 14, 17, 19, 22, चारों चुनावों में ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा
वो बीजेपी के साथ रहा है और वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है। अब भी जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं कुछ महीने पहले, वहां भी वही रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार ये जो र्यूमर उड़ गई कि अगर मोदी आ गए 400 सीटें मिल गई तो आरक्षण ओबीसी का और दलितों का सब खत्म हो जाएगा, ये कितना ज्यादा पेनिट्रेट किया है। क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है कि जो लोग कभी भी अखिलेश को वोट नहीं दे रहे थे, जैसे दलित वाला, आप याद कीजिए 2019 में क्या हुआ था, अखिलेश का वोट तो ट्रांसफर हो गया लेकिन मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ अखिलेश को, इसलिए मायावती 10 सीटें पाई, अखिलेश 5 सीट। तो इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो वोट बैंक मायावती का जो वोटर है वो अखिलेश को वोट दे रहा है। चलिए अगर ये बात हुई तब तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी, अब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। अमिताभ जी, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी कहीं ज्यादा बड़ी सेंधमारी कर पाएगी इस बार? देखिए, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में कुछ सीटों का नुकसान भाजपा को होता दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार 28 में से अगर आप अलाइज वगैरह को जोड़ लेंगे तो जेडीएस को जोड़ लेंगे तो 27 सीटें भाजपा के पास हैं। लेकिन वहीं केरल में और तमिलनाडु में थोड़ा बहुत 2-3 सीटों का इजाफा हो सकता है। जो बड़ा गेन है मुझे लगता है एनडीए ब्लॉक को, वो आंध्रा से हो सकता है, जहां पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। वहां पर अगर टीडीपी के जीतने की उम्मीद है, अगर वो जीतती है विधानसभा चुनाव, तो लोकसभा में भी 15 से लेकर के 20 सीट तक एनडीए के खाते में आ सकती है। और ये जो है वो कर्नाटक में जो लॉसेज हैं उसको निगेट कर सकता है, और ओवरऑल जो है बीजेपी की जो स्थिति है साउथ में आंध्रा की वजह से सुधर सकती है। तो दक्षिण से चलते हैं आप पूरब की तरफ, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। क्या बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगी? रामकृपाल जी, देखिए, बीजेपी जो, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो उसकी सीटें कुछ कम हो सकती हैं, राजस्थान में जो कम हो सकती हैं, इसकी भरपाई अगर कहीं से है तो जैसा इन्होंने कहा कि आंध्रा से, और पूरब में उड़ीसा और बंगाल, ये दो जगह से ऐसा लग रहा है कि जितना इधर डेंट होगा वो भरपाई उधर से हो जाएगी। उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा में तो निश्चित रूप से, हालांकि पिछली बार भी था कि बीजेडी जीते या बीजेपी जीते, वो तो एनडीए का ही हिस्सा रहते हैं। आंध्रा में भी हालांकि वाईएसआर का भी समर्थन जो था इनके साथ था, लेकिन इस बार टीडीपी की लहर वहां चल रही है। तो जैसा ये कि पूरब में असम को भी, ये नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है कि बीजेपी को लॉस उतना नहीं होगा, कुछ गेन ही हो सकता है। तो ये जो डेंट बाकी जगह पे है उसकी भरपाई पूरब में और दक्षिण से, इसलिए दो जगहों से होने की संभावना है। अब कितना होगा वो तो वक्त बताएगा 4 तारीख को। आप बहुत छोटे में अमिताभ जी, अगर आप जोड़ पाए पश्चिम बंगाल में मुश्किल कितनी है या फिर रास्ता थोड़ा आसान लग रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल में क्योंकि पिछली बार बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था दोनों ही दलों के लिए अपना अपना जो कोटे की सीटें हैं वो बचाना और गेन करना जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 22 सीटों पर जीत का जो मार्जिन था वो 10% से कम था, और टीएमसी 11 जीती थी और भाजपा 11, यानी टॉसअप है वहां पर, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। गेट आउट द वोट स्ट्रेटजी, कौन अपने वोटर को निकाल पाता है, और संदेश खाली इंसिडेंट का कितना महिलाओं में उसका असर पड़ता है, इसके ऊपर ही सारा दारोमदार बंगाल का टिका हुआ है। जी, तो जो डेंट, जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे थे कि जो डेंट उत्तर भारत से लगेगा, अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पूर्वी राज्यों से होगी? पूर्वी राज्यों में यही दो राज्य हैं लार्जली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अलायंसेस के साथ बीजेपी लगभग 18 सीटों पर है 25 में से, तो ओडिशा बचता है, ओडिशा से बहुत उम्मीद है भाजपा को, पिछली बार भी उम्मीद थी, लेकिन वहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है और साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से पेच फंस जाता है। तभी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नवीन पटनायक पर, जो एक फ्रेंडली पार्टी आप उसको कह सकते हैं, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। हाँ, तीखे हमले हुए, क्योंकि बीजेपी को यह रियलाइज हो रहा है कि बिना विधानसभा में अच्छा किए आप वहां पर लोकसभा में बियॉन्ड अ पॉइंट अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन है, जो वोटर जाता है सेम बटन दबाता है। इसलिए बीजेपी अब विधानसभा में जो पहले फ्री पास दे रही थी नवीन बाबू को, अब वहां भी अपने सीटें बढ़ाने के फिराक में है, और वहां से जरूर गेंस की उम्मीद है भाजपा को। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम पूछ रहे हैं 7 चरणों के 7 बड़े सवाल, कहीं मत जाइए, हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। तो
तो आज हम पूछ रहे हैं सात चरणों के सात बड़े सवाल, और ब्रेक से पहले हम चार सवालों पर चर्चा कर चुके हैं। अब बारी पांचवें सवाल की है। ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण पर चली बहस का फायदा एनडीए को होगा या इंडिया गठबंधन को, यह बड़ा सवाल। अमिताभ जी, इसका जवाब। देखिए, ओबीसी आरक्षण जो मामला है, मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ खास असर हुआ है। जरूर संविधान को बदलने वाली जो बात सर कह रहे हैं उसका असर ज्यादा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण की जो बात जो बीजेपी ने करी है उसका हमें असर देखने को मिलेगा बंगाल में और यूपी बिहार में लार्जली। तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी जो लॉसेज उसको हो रही थी इस इशू की वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर पाती है कि नहीं। जी रामकृपाल जी, क्या इन चुनावों में राम मंदिर निर्माण का असर दिखा है? देखिए जी, मैंने ये 2019 के बाद 19 से लेकर 24 के बीच में दो नई चीज़ें जो आई थी, राम और राशन, ये दोनों चीज़ें नई थी। और अब लग रहा था कि ये दोनों चीज़ें इस इलेक्शन में मोदी का एक, मतलब जैसे है कि बीजेपी के लिए एड ऑन एक तरह से उनको और मजबूती प्रदान करेंगी। लेकिन जय फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी भी हिंदुस्तान की जनता में जो चीज़ होती है वो, जैसे ये बात आती है कि आरक्षण एक ऐसा चीज है कि वो ओबीसी से लेकर के दलित तक, ये अफवाह अगर फैल जाए कि 400 सीट अगर आएगी तो बदल देंगे, ये अफवाह, मैं फिर कहता हूं मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। अगर इस पर कोई विश्वास किया है तो ये कितना डैमेज करेगा राम और रोटी, निश्चित रूप से राम और राशन जो थी उससे जो एक बीजेपी को बढ़त थी, और उसके, और ये जो 400 सीट वाला जो चला गया आरक्षण खत्म कर देंगे वो जो माइनस हुआ है जी। अब मैं, ये तो चार को पता चलेगा क्या है, लेकिन निश्चित रूप से ये बीजेपी के ही कुछ बयान बहादुरों के चलते उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कहीं भी पूर्वांचल में या जैसे अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो मान लीजिएगा उसका कारण सिर्फ यही नारा रहा है, और उस पर ऐसे लोगों ने विश्वास किया कि मायावती का जो वोटर है वो भी छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। तो देखना होगा कि 4 तारीख को इसका असर दिखाई देता है या नहीं नतीजों में। आखिरी सवाल हमारा जो सातवां सवाल है, क्या केजरीवाल की जमानत से दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी के वोट बढ़ेंगे? अमिताभ जी, देखिए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली में उसका नुकसान भाजपा को हो सकता है, लेकिन पंजाब में उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वोट के बेसिस पर ही आम आदमी पार्टी वहां पर ग्रो हुई है। इसलिए यदि दोनों अलग अलग बातें, तो उनका जो नुकसान है वो भाजपा को भी हो रहा है और कांग्रेस को भी होगा वहां पर पंजाब में। चलिए, तो देखना होगा इसका असर कितना दिखाई भी देता है नतीजों में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो 7 चरणों के ये 7 बड़े सवाल थे। 4 जून को जनता का फैसला सबके सामने होगा। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। कल लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण का चुनाव है, इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, जहां बीजेपी कह रही है कि वो 400 पार करेगी, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो 128 सीटें जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने, सुनिए उन्होंने खुद के प्रधानमंत्री बनने पर क्या कहा है। पीएम कैंडिडेट कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी? जो गठबंधन के लोग चाहेंगे वही होगा। तो आप खड़गे साहब भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वो गठबंधन के लोगों के ऊपर है, जितने भी लीडर्स हैं गठबंधन के, और हु मैटर्स इन दी, ये वो सब मिलके तय करेंगे। बड़ा दल होने के नाते तो कांग्रेस का ही होगा। बड़ा दल होने के नाते तो कांग्रेस का ही होगा। देखो, बड़ा दल छोटा दल यहाँ पर नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी सब मिलके करना है। कि देखो, अगर हमारे पास पूरे के पूरे 273 सीट्स हो सकते हैं, ये बात हम कह सकते थे। जब हम मिल के लड़ रहे हैं तो सबका राय इम्पॉर्टेंट है, और वो सबकी राय के ऊपर जो करेंगे वो बहुत दिन चलने वाला है। सबसे बड़ा काम, पहला काम क्या होगा यदि आपकी सरकार आती है? क्या आरक्षण का कोटा बढ़ेगा 50%? देखिए, जो चीज़ें हमने हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में
बोले हैं वो एक एक करके हम उसको निपटाएंगे, एक एक करके उसको अनुष्ठान में लाएंगे। ये सारी चीज़ें हम करते जाएंगे, क्योंकि हमने जो पहले से वायदा किया है, जो जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो सब मिलके हम करेंगे। मैनिफेस्टो में तो है कि आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाया जाएगा। हाँ है, करेंगे ना इम्प्लीमेंट नेचुरली। जब जयललिता कर सकती तो हम नहीं कर सकते। जयललिता तो शेड्यूल कौन सा 9 है कौन सा है, तो उसमें तो उसने 69% कर लिया। तो कोटा इसमें बढ़ाने के लिए जब संविधान में प्रोविजन है तो वैसा हम भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैनिफेस्टो में तो ये भी है कि जो मुस्लिम है, माइनॉरिटीज है, मुस्लिम माइनॉरिटीज जो गरीब हैं उनको भी न्याय दिया जाएगा। देखो उनको भी क्या कोटा में लाया जाएगा? ये कोटे की बात नहीं है, एक क्लास की बात होती है। जैसा खुद मोदी जी ने किया अपने इसमें कि उनको बैकवर्ड्स में डाल के रिजर्वेशन दिया, तो वो तरीके ढूंढेंगे है। अब तो उसको कंट्रोवर्सी करना, देखो देश में अगर आपको अच्छी सरकार देना और अच्छा देश को चलाना है संविधान के तहत, आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने की बात करो और जो वायदे आपने किए हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करिए। नमस्कार, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे खास खबर क्या है, और वो ये है कि जीडीपी डेटा आया है। भारत का जीडीपी डेटा FY24 के लिए 8.2% पर आया है। ये काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, और जो रिकॉर्ड जो हम देख रहे हैं आखिरी क्वार्टर का डेटा वो भी 7.8% आया है। NDTV याद रखिए दिन भर इकोनॉमिस्ट से, एनालिस्ट से बातचीत कर रहे थे और ये उनके एस्टिमेट से ज़्यादा हैं। अब इस सबको डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथ है संचिता मुखर्जी, सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी हैं। संचिता, धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि एनालिस्ट का ये जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, और फुल ईयर डेटा जो है भारत का भी अगर हम देखें तो पूरे विश्व में बाकी देशों से आगे है। नमस्कार साक्षी, ये जो डेटा आई है हमारे अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी पे, जो जीडीपी ग्रोथ, ये हमें दर्शाता है कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो बहुत ही मजबूत है, और हमारे जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई है, पब्लिक स्पेंडिंग हुए, जिसको हम पब्लिक केपेक्स कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड, जो भी विकास हुई है वो अभी काफ़ी रिफ्लेक्टिव है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, ऑटो सेल्स में, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, हर प्रकार के सेक्टर में वो दर्शाता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो अभी बहुत बहुत मजबूत स्टैंडिंग पे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन पे। जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि ये जीडीपी ग्रोथ और स्टॉक मार्केट्स का रिश्ता, और याद रखिए ये जीडीपी डेटा चुनाव के रिजल्ट से बिल्कुल पहले आया है, तो आप क्या कहेंगी, स्टॉक मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी इस डेटा पर? देखिए मैं पॉलिटिक्स पे तो बात कर नहीं सकती हूँ, मगर ये जीडीपी डेटा बहुत क्लोजली रिलेटेड है मार्केट डेटा से, क्योंकि इंडियन मार्केट्स जो है अभी इनएक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स जो इंडिसेस है, डेवलप मार्केट की जो इंडिसेंस है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, काफी तेज हद तक प्रॉफिट्स बुक हो चुकी है इंडियन मार्केट्स में। अगर करंट गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाई, मार्केट्स को ये अनसर्टेनिटी, ये इंस्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो मार्केट करेक्शन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। अगर किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो अगर करंट गवर्नमेंट बना लेती है सरकार, तो ये मार्केट्स को लगेगा कि जो जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जितना भी डेवलपमेंट एजेंडा है, जो भी फोकस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे, ये काफी हद तक
जारी रहेगी तो ये मार्केट्स इसको फॉरवर्ड और काफी अपसाइड में देखेगी। जी बिल्कुल मिताली ने कौर, आप भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। ये FY24 GDP ग्रोथ 8.2% और Q4 डेटा 7.8%, आप क्या हाइलाइट्स देना चाहेंगी? ये एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा है, अगर हम बाकी क्वार्टरली डेटा भी देखें तो भी क्वार्टरली डेटा भी अच्छा आया है, आपका आपका क्या मानना है? बिल्कुल साक्षी, आई थिंक इस बारी तो बहुत ही, मैं कहती हूँ ये बनानजा की तरह ये डेटा बाहर निकल कर आया है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल से, मतलब मैं कहूंगी आप क्वार्टर्स की बात करिए बट मैं कह रही हूँ 2 साल से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अगर हम ट्रेड, होटेल्स और कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर की तरफ देखें तो 22-23 में 12% ग्रोथ और 23-24 में 6% ग्रोथ इस सेक्टर ने किया है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, हाई जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है और इसमें हम देख रहे हैं 9% ग्रोथ 22 में और 8.5% ग्रोथ 23 में। और फिर इस साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% ग्रोथ देखा गया है, जबकि लास्ट ईयर ये सेक्टर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया था 2%, मतलब उसमें 2% की गिराई हुई थी और इस साल 10% ये सेक्टर ग्रो किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी न्यूज कोई हो ही नहीं सकती कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हमारी 10% पे 23-24 के लिए है। जी बिल्कुल संचिता, आपका क्या मानना है आगे जाके कौन से सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे? अगर आप देखोगे तो ऑटो सेल्स जो हमारा है हाईएस्ट पॉइंट पे है आज की तारीख में, ईवे बिल्स जो है इकोनॉमी में हाईएस्ट पॉइंट में है, इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी हाई, बहुत ही, आई एग्री विद मिताली जी, जो मतलब बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। सर्विसेज PMI जो है नियर ऑल टाइम हाई, मैं अब 8 core सेक्टर्स को ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ, जो पावर कंजम्पशन है हाईएस्ट है, मंथली होम सेल्स, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा लोग मतलब मॉर्गेजेस ले रहे हैं, होम लोन्स ले रहे हैं, होम सेल्स हाईएस्ट पॉइंट पे है। बैंक NPA जो है वो अभी काफी हद तक लो है, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स, और क्रेडिट ऑफ टेक हो रही है। अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया को भी देखोगे, अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज को भी देखोगे, उनका लीवरेज भी काफी हद तक कम हो चुका है, बट क्रेडिट सेल्स बैंक्स बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं क्योंकि NPA लेवल्स बहुत कम है, इनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। आप इनको चाइना के साथ कंपेयर करो, चाइना में अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस हो रही है, राइट, उनके बैंक्स काफी हद तक स्ट्रेस में है। सो जितनी भी विदेशी कंपनी है जो पहले चाइना में फैक्ट्री सेटअप करते थे, काफी हद तक वो अभी इंडिया को अपना डेस्टिनेशन मान रहे हैं, अपना फैक्ट्री मान रहे हैं कि ठीक है हम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करें, सो दिस इज वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग PMI ऑल टाइम हाई, कोर इन्फ्लेशन वन ऑफ द लोएस्ट, हमारा एक रियल GDP ग्रोथ है, जो मतलब 8% से अगर आप -4.5% देखते हो तो वो रियल GDP ग्रोथ दिखलाता है। UPI ट्रांजेक्शन देख लीजिए, GST कलेक्शन देख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑल नियर टाइम हाई, तो ये दिखाता है कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है, जो विकास है, वो एक्चुअली में काफी मजबूत है। जी बिल्कुल, विकास काफी मजबूत है। मिताली आप क्या कहेंगी, पूरे विश्व में भारत एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, सारे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और आने वाले समय में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स में आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आई थिंक हम एक बहुत ही लकी फेज मैं कहूंगी, लेकिन ये लकी नहीं है क्योंकि सारी पॉलिसीज जब एक सही डायरेक्शन में चलती हैं तभी हमारे पास ऐसा फेज आ सकता है जहां पे हमारा सारे फंडामेंटल्स एक पॉइंट पर आ जाएं कि वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आगे जाते हुए हमें अपने सर्विसेज सेक्टर को भी देखना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें आज के GDP की, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान, मोर देन 50% योगदान GDP में सर्विसेज सेक्टर का है। और सर्विसेज सेक्टर में जो हमारी ग्रोथ आ रही है वो, जैसे संचिता जी ने भी कहा, रियल एस्टेट सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जाके लोन ले रहे हैं, इक्विटी सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उससे जॉब्स भी जनरेट हो रहे हैं और ग्रोथ भी जनरेट हो रहा है। और ये जो एक पॉजिटिव स्टोरी हमारी अब मैन्युफैक्चरिंग से भी आ गई, सर्विसेज से भी आ गई, अगर हम एग्रीकल्चर की स्टोरी देखें तो एग्रीकल्चर में भी इस बार
2% इंक्रीज देखा गया है, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग फिगर है अगर हम लोग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें। तो सारे ही सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें अब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। फ्यूचर के लिए हमें दो या तीन चीजें डेफिनेटली देखनी है। एक तो है क्लाइमेट रेजिलियंस, कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करें और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके आए, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करें। दूसरा है जेंडर इंक्लूजन, कैसे हम औरतों को और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। और तीसरा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी हमें एड्रेस करना है और हमें अपने यंग लोगों की स्किल ट्रेनिंग बढ़ानी है ताकि हम उनको भी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। भारत की इकोनॉमी का लेटेस्ट डेटा ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और आगे जाके ये सारे फंडामेंटल्स जो स्ट्रांग हैं, पॉलिसीज और रिफॉर्म्स अगर ऐसे ही रहें और ऐसे ही ध्यान दिया जाए कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरियाज में, तो भारत की इकोनॉमी और भी मजबूत हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अब हम ब्रेक लेंगे, न्यूज़ और अपडेट्स जारी रहेंगे।